दोस्तों, अपने गानों से झूमने पर मजबूर कर देने वाले सिंगर केके अब हमारे बीच नहीं रहे। 31 मई को कोलकाता में उनका निधन हो गया। केके कोलकाता में कॉन्सर्ट करने गए थे। कॉन्सर्ट के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो गिर गए, जिसके बाद उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाए। रिपोर्ट के मुताबिक केके का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ। दोस्तों, फेमस सिंगर केके के गाने आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आप इनकी लाइव स्टोरी के बारे में जानते हैं? आखिर कैसे दिल्ली के एक साधारण लड़के ने मुंबई जाकर अपनी आवाज से सबको दीवाना कर दिया था? इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इनकी लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताएंगे। अगर आपको केके के गाने पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केके का रियल नेम कृष्णा कुमार कुनाथ है और निकनेम केके है। केके प्रोफेशन से सिंगर, कंपोजर और लिरिकिस्ट है। केके का जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में हुआ और 31 मई 2022 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनका निधन हो गया और इनकी उम्र थी 53 साल। दोस्तों, बता दें कि केके बचपन में एक डॉक्टर बनना चाहते थे जब वो 2 साल के ही थे। उस वक्त उन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया था। उनकी आवाज लोगों को इतनी पसंद आई थी कि दिल्ली में ही कई एड एजेंसियों ने उनकी आवाज का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रॉक बैंड भी बनाया था। दोस्तों, केके ने स्कूल की पढ़ाई माउंट सेंट मैरीज स्कूल दिल्ली से की, जिसके बाद केके ने किरोरीमर कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद केके ने 6 महीने तक बतौर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम किया और फिर कुछ साल बाद मुंबई चले गए। अब बात करते हैं केके के करियर के बारे में। मुंबई आने के बाद केके ने म्यूजिक एरेना में एक ब्रेक पाने के लिए लुइस बैंक्स, रंजीत बरोत और लेस्ले लुइस को अपना एक डेमो टेप दिया और फिर केके को यूटीवी ने बुलाया और उन्हें संतोजन शूटिंग एड के लिए गाने का मौका मिला और 4 साल के पीरियड में उन्होंने 11 भारतीय भाषाओं में तकरीबन 3500 एड के लिए गाना गाया था। केके को सिंगर के रूप में ए आर रहमान के हिट गाने कलूरी साले और हेलो डॉक्टर के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, जो तमिल फिल्म का गाना था। और फिर 1996 में केके को हिंदी फिल्म माचिस के लिए सॉन्ग छोड़ आए हम गाने का पहला मौका दिया गया, जिसके बाद केके ने 1997 में आई म्यूजिकल फिल्म मिनसारा कनावू में स्ट्रॉबेरी सॉन्ग गाया और फिर 1999 में केके ने हिंदी फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए आइकॉनिक गाना तड़प तड़प के गाया, जो कि बहुत ही बड़ा हिट हुआ। और 1999 में ही क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम के सपोर्ट के लिए उन्होंने जोश ऑफ इंडिया गाने को गाया था। इसके बाद उन्होंने अपना पहला म्यूजिक एल्बम पल निकाला, जिसे बेस्ट सोलो एल्बम के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला। और फिर 1999 के बाद केके रुके नहीं और एक से एक हिट गाने दिए। दोस्तों, इन्होंने बॉलीवुड फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा, हेरा फेरी, दीवानापन, रहना है तेरे दिल में, स्टाइल, देवदास और तेरे नाम के लिए गाया है। दोस्तों, 2008 में केके ने अपनी दूसरी एल्बम हम सफर रिलीज किया, जिस एल्बम में टोटल 10 गाने थे, जिसमें से 8 गानों को केके ने खुद कंपोज किया था। दोस्तों, केके ने टीवी सीरियल जस्ट मोहब्बत, शकलक, बूम बूम, कुछ झुकी सी पलके, हिप हिप हुर्रे, कव्यांजलि और जस्ट डांस के लिए भी गाया है। और 2008 में ही केके ने पाकिस्तानी शो द घोस्ट के लिए तन्हा चला सॉन्ग गाया था और एमटीवी इंडिया कोक स्टूडियो में पार्टिसिपेट लिया, जिसमें इन्होंने साबरी ब्रदर्स के साथ मिलकर कवाली चढ़ता सूरज गाया। दोस्तों, केके ने हिंदी में 500 से ज्यादा गाने गाए हैं और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और बंगाली में 250 से ज्यादा गाने गाए हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना केके का कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट सॉन्ग है। चलिए मिलवाते हैं आपको केके की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है सीएस नायर और इनकी माँ का नाम है कुन्नत कना कवल्ली और इंटरनेट में इनकी पिक्चर्स नहीं है। बात करें इनकी वाइफ के बारे में, तो दोस्तों, इन्होंने 1991 में ज्योति से शादी की और इनका एक बेटा और एक बेटी भी है। इनके बेटे का नाम नकुल कृष्णा है और इनकी बेटी का नाम तमारा है। बात करें केके के हाउस के बारे में, तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, केके मुंबई महाराष्ट्र में अपनी फैमिली के साथ रहते थे, जैसे कि इन पिक्चरों में आप इनका घर देख सकते हैं। वहीं बात करें केके के कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके कार कलेक्शन में जीप चिरोकी है, जिसकी कीमत है 75 लाख रुपए, और दूसरी कार इनके पास है ऑडी RS5, जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं केके के इनकम के बारे में, तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, केके बॉलीवुड में एक सॉन्ग करने के लिए 3 से 4 लाख रुपए चार्ज करते थे और ज्यादातर इनकी इनकम लाइव कॉन्सर्ट से होती थी और लाइव कॉन्सर्ट करके ये लाखों रुपए कमा लेते थे। बात करें केके के नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों, केके का लगभग नेटवर्थ 62 करोड़ रुपए है। तो ये थी केके के लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।